दुनिया में किसी देश में कहीं पर भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक सामाजिक उत्थान हुआ हो। अगर शराबबंदी से ही लोगों का उत्थान होना होता तो हम लोग सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, लेकिन अपने को सबसे होशियार समझते हैं। दुनिया के दूसरे देशों ने क्यों नहीं लागू कर दिया? भारत में ही दूसरे राज्यों ने क्यों नहीं लागू किया? मैं सुबनाज और मेरे साथ रबजी लाइव देख रहे हैं आप। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। देश में जहरीली शराब से सबसे अधिक मौतें यानी 134 लोगों की मौत केवल बिहार में हुई। इस रिपोर्ट से नीतीश कुमार के सुशासन के दावों की पोल खोल रही है। इस बारे में जब जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से बात की गई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी से ज्यादा नुकसानदेह कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, उसी शराबबंदी की बात कर रहे हैं और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी उसी शराबबंदी को नुकसानदेह बता रहे हैं जिसे जिस कानून को लागू कर नीतीश कुमार ने अपनी पीठ थपथपाई थी, अपने इस कार्य की सराहना की थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में मैं बिहार में इकलौता आदमी जो कि हर दिन कहता है कि शराबबंदी गलत है। शराबबंदी जो बिहार में लागू हुई है इसका तीन पहलू से मैं विरोध कर रहा हूँ। दुनिया में किसी देश में ऐसा प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी की वजह से किसी भी समाज का सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है। अगर शराबबंदी से ही लोगों का उत्थान होना होता तो अब तक हमारा हो गया होता। आप सबसे पिछड़े हैं लेकिन खुद को सबसे ज्यादा होशियार समझते हैं। भारत में ही दूसरे राज्यों ने क्यों नहीं इस कानून को लागू किया? एक तर्क नीतीश कुमार और उनके चमचे देते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा था और इसलिए ऐसा हमने किया है। ये सरासर झूठ है। मैं कैमरे पर 1.5 साल से चुनौती दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार महात्मा गांधी को अगर समझते हैं या जीवन में कभी पढ़े हैं, उनके जीवन को पढ़े हैं, तो अपनी पूरी सरकार का तंत्र लगाकर मुझे वो एक लाइन दिखा दें जहां गांधी जी ने ये कहा कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी करनी चाहिए। दरभंगा के बिरौल प्रखंड में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये तमाम बातें कह रहे हैं प्रशांत किशोर। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि गांधी जी ने कभी इसकी चर्चा ही नहीं की। उन्होंने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर जरूर बताया। उन्होंने कहा कि शराब पीना गलत है और लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि गांधी जी ने कहा कि लोगों को शाकाहारी होना चाहिए और सरकार ने कानून बना दी कि जो शाकाहारी नहीं होगा उसे जेल में डाल देंगे। मतलब गांधी जी ने कहा कुछ और आपने किया कुछ और फिर कहते हैं कि गांधी जी ने ही तो किया था, इसमें हमारी क्या गलती है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है और नीतीश कुमार वो आधे ज्ञान वाले व्यक्ति हैं। बिहार में इतने मूर्ख नेता हैं कि उसमें कम पढ़ा लिखा आदमी को भी ये लगता है कि उससे पढ़ा लिखा आदमी कोई है ही नहीं। यही नहीं रुके प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर ने और भी बहुत कुछ कही। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। आरबी की रिपोर्ट है कि नकली शराब पीने से सबसे अधिक 134 लोगों की मौत बिहार में हुई है। क्या नीतीश कुमार के सुशासन की पोल नहीं है? मेरे भाई, शराबबंदी से ज्यादा फार्स कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं पहला आदमी हूँ सामाजिक राजनीतिक जीवन में बिहार में जो हर दिन रोज कहता है कि शराबबंदी गलत है, शराबबंदी हटाई जाना चाहिए। कोई वोट की बात नहीं है, ना इसका कोई वैधानिक आधार है, ना इसका सामाजिक आधार है, ना कोई आर्थिक आधार है, कुछ भी नहीं है। सरकार जो शराबबंदी बिहार में जो लगी हुई है, तीन पहलू से इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। आप पहली बात समझिए कि दुनिया में, बिहार और भारत की बात छोड़िए, दुनिया में किसी देश में कहीं पर भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक सामाजिक उत्थान हुआ हो। अगर शराबबंदी से ही लोगों का उत्थान होना होता तो हम लोग सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, लेकिन अपने को सबसे होशियार समझते हैं। दुनिया के दूसरे देशों ने क्यों नहीं लागू कर दिया? भारत में ही दूसरे राज्यों ने क्यों नहीं लागू किया? दूसरा एक तर्क दिया जाता है नीतीश कुमार और उनके चमचों के द्वारा, ये गांधी जी ने ऐसा कहा, गांधी जी का हम बात फॉलो कर रहे हैं। सरासर झूठ है। हम एकदम कैमरे पर आज 1.5 वर्ष से चुनौती दे रहे हैं। नीतीश कुमार गांधी को अगर समझते हैं, कभी जीवन में पढ़े हैं,
तो अपनी पूरी सरकार का तंत्र लगा के हमको वो एक लाइन दिखा दें गांधी जी का, जहां गांधी जी ने ये कहा है कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी करनी चाहिए। गांधी जी ने इसकी कभी चर्चा नहीं की है। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया है। समाज में ये प्रयास होना चाहिए कि शराब पीना गलत बात है, लोग शराब न पिए। गांधी जी ने कहीं ये नहीं कहा है कि कानून, सरकारों को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करना चाहिए। तो ऐसे हो गया कि गांधी जी ने कहा कि शाकाहारी भोजन करना चाहिए, अकल सरकार कानून बना दे कि जो जो शाकाहारी नहीं है उसको जेल में डाला जाएगा। ये तो नीतीश कुमार तो वही है ना कि बिना आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, तो नीतीश कुमार वो आधे ज्ञान वाले व्यक्ति हैं। हुआ ये है कि बिहार में इतने मूर्ख नेता हैं, उसमें थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी लगता है कि इससे बड़ा कोई ज्ञानी पैदा ही नहीं हुआ है। तो नीतीश कुमार को भी ये भ्रम हो गया है कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। भाई नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत होशियार समझदार आदमी है, लेकिन वो बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे आदमी नहीं, उनसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी इसी धरती पर हजारों की संख्या में है। नीतीश कुमार आप 18 बरस से राज्य चला रहे हैं, आप देश में सबसे पिछड़े हैं और खड़े होकर कहते हैं कि हमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। अगर अच्छा किया तो आप कम से कम केरल तमिलनाडु हो जाते, केरल तमिलनाडु तो छोड़िए राजस्थान यूपी के बराबर हो जाते। तो एक पायदान भी 28 से आप 27 नहीं हुए, लेकिन अपना पीठ ठोके जा रहे हैं। तो उनका जो अहंकार है, यही चीज तो नीतीश कुमार को बर्बाद कर गया। नीतीश कुमार के बर्बादी का ये कारण है कि उस आदमी को अहंकार हो गया कि मुझे सब मालूम है और मुझे जनता हटा नहीं सकती है, जनता किसी को वोट दे बैठूंगा मैं ही। इसी चीज ने नीतीश कुमार का डाउनफॉल किया। 2005 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। शराबबंदी को लेकर जो मैं आपको बात बता रहा था कि इसका कोई दुनिया में प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आप समाज का या अपना आर्थिक सामाजिक उत्थान कर सकते हैं। गांधी जी ने शराबबंदी के लिए कानून बनाने की बात कहीं नहीं कही। और तीसरा, अगर शराबबंदी एक बार को बहस के लिए मान भी लिया जाए कि अच्छा है, तो शराबबंदी लागू है कहां? शराबबंदी के नाम पर तो खाली शराब का दुकान बंद हुआ, होम डिलीवरी चालू हो गया। बिहार की गरीब जनता का हर साल 15,000 से 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हर गांव में 10-15 बच्चे अवैध शराब के कारोबार में जुड़ गए, और ये पैसा जो नुकसान हो रहा है जा कहां रहा है? ये बिहार के भ्रष्ट शराब माफिया और अफसरों के जेब में जा रहा है। बच्चे शराब का कारोबार कर रहे हैं, गलत काम में लग रहे हैं। पूरे जितने नेपाल से लगते हुए एरिया है उसमें जहां जाइए गांव में लोग बता रहे हैं इस तरह के ड्रग्स का कारोबार हो रहा है जो बिहार ने कभी देखा नहीं है। और जिन महिलाओं के नाम पर इसको किया गया, आपने अभी, मैं आ रहा हूं मौत के आंकड़े पर, पूरी बिल्कुल गलत है। शराबबंदी लागू होने के बाद से अभी तक 6,37,000 से ज्यादा केस किए गए हैं शराबबंदी कानून के तहत। उसमें करीब 1.25 लाख लोग आज भी कोर्ट और थानों के चक्कर लगा रहे हैं। ये 1.25 लाख लोग जब एक बार आप थाने में पड़ गए, जेल चले गए, तो सबसे ज्यादा परेशानी भी उस घर की महिला को है। पुरुष पकड़ लिया गया, महिला बेचारी दौड़ रही है थाने में कोर्ट में, जो भी बचा खुचा है वो भी बिक जा रहा है उनका। तो ना इसका कोई आधार है, ना कोई इसका मोरल आधार है, ना ये जमीन पर लागू है। नुकसान अलग हो रहा है, महिलाएं अलग परेशान हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार का जिद है, कदम नहीं यही लागू रहेगा। पूरे बिहार में शराब बिक रहा है, कह रहा नहीं शराबबंदी लागू है। आपने कहा 134 लोगों की मौत, ये 134 लोग तो वो है जो रिपोर्टेड मौत है। जहरीली शराब से होने वाली मौत की संख्या यहां हजारों में है। हर पंचायत में मैं जब चल रहा हूं लोग बता रहे हैं, वो तो पुलिस प्रशासन के डर से वो केस ही नहीं करता है कि जो जिसकी दुखद मृत्यु हुई वो हुई, अगर जाके कहेंगे कि शराब पीने से हुई है तो शराबबंदी के नाम पर उस पर केस अलग से हो जाएगा। ये तो जब बड़ा 30-25-30-40 लोगों की मृत्यु होती है तब सरकार छुपा नहीं सकती है, तो उसको वो खबर आती है। आप तो पत्रकारिता करते हैं, हर पंचायत में मैं आपको डाटा दे सकता हूं कि कितने लोगों की मृत्यु अवैध शराब पीने से, गलत शराब पीने से हुई है, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं है। नीतीश कुमार खड़ा होकर कह रहा है जो पिएगा वो मरेगा, अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक, फिर से रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत।